नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। स्वप्न भारत समाचार में आपका स्वागत है। तो चलिए आज नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वह आपको पूरी जानकारी देंगे जिन्होंने अनिल वर्मा कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष से बात की। तो अब आपको ले चलते हैं लखनऊ की ओर, जहाँ पर 11 मई को विधानसभा मुख्यमंत्री का किया जाएगा घेराव। हम इस पर नजर डालते हैं, क्या है पूरा मामला यह आपको विस्तार से समझाएंगे हमारे सहयोगी लखनऊ ब्यूरो मोहम्मद फारूक। अनिल वर्मा कुर्मी समाज के सब अध्यक्ष, वो प्रतापगढ़ में हुए आतंक, पुलिस के आतंक के ऊपर 11 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का घेराव करने जा रहे हैं। उनसे आइए उनसे जानते हैं क्यों घेराव करने जा रहे हैं। अनिल वर्मा जी, अनिल वर्मा जी, ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का घेराव करने जा रहे हैं, क्या समस्या हो गई थी ऐसी प्रतापगढ़ में जो आपको मजबूर होकर मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं? प्रतापगढ़ में विगत दिनों में कई कुर्मियों के घर जलाए गए, उनके पशु जला दिए गए, उनके साथ लूट हुई, उनको मारा, उनके गोली फायरिंग की पुलिस ने, और पीड़ित परिवार पे ही पुलिस ने मुकदमा लगा दिया। और सबसे बड़ी बात है, आज जो देश प्रदेश में सामंतवाद चल रहा है उसके विरोध में ये घेराव, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, पीड़ित परिवार से मुकदमे वापस लिए जाए और दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में हम लोगों का एक 14 चार पहियों का वाहनों का काफिला गया था प्रतापगढ़ 4 दिन पहले। हम लोगों ने पीड़ित परिवार से मिलना चाहा, प्रशासन ने हम लोगों को रोका, बड़ी मुश्किल से हम लोग पीड़ित परिवार से मिल पाए। मिलने के बाद हम लोगों ने पिछड़ा आयोग में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, हम लोगों की उपाध्यक्ष से बात हुई, जांच बैठा ली गई इस प्रकरण में, DMSP से भी वार्ता की हम लोगों ने। अब एक हफ्ते का समय माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग दे रहे हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में जितने बैकवर्डों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, कुर्मी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, कुर्मी युवा महासंघ, हम शिव बहादुर पटेल जी उन्नाव से, बाराबंकी से आदर्श पटेल जी, लखनऊ के आपके महेश वर्मा जी, प्रतीक कटियार जी, कुलदीप वर्मा जी, बहुत ऐसे विजय वर्मा जी, बहुत ऐसे साथी हैं जिन्होंने कल बैठक की, अंबुज पटेल जी, बैठक करके ये तय किया गया है कि बहुत बड़ा प्रदेश में आंदोलन होगा जिसमें हजारों की संख्या में कुर्मी लोग उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम इस बृहस्पति को छोड़ के अगले बृहस्पति को 11 तारीख को विधानसभा में करेंगे। विधानसभा का घेराव हर हालत में होगा, चाहे हम पर लाठियां चलाई जाए, चाहे मुकदमे लगाए जाए, चाहे जेल में जाए। इसके लिए क्या इन्होंने, आपने किसी भी मंत्री को या मुख्यमंत्री को, GDM को, SP कमिश्नर को, क्या आपने किसी को विज्ञापन दिया? जी, मैंने ज्ञापन पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया, पिछड़ा आयोग से मेरी बात हुई, उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं, और पूरे प्रदेश के हर जिला अध्यक्ष ने, पूरे प्रदेश में हर जिला अध्यक्ष ने जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे और अन्याय इस तरह जारी रखेंगे तो निश्चित तौर पर कुर्मी पूरे उत्तर प्रदेश का सरकार बनाना भी जानता और बिगाड़ना भी जानता है। हम लोग 11 तारीख को ये बताने का काम करेंगे कि हमारा उत्पीड़न बंद करो, अगर नहीं बंद करते हो तो उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मी समाज के लाखों लोगों की संख्या लखनऊ में इकट्ठा की जाएगी, उसके बाद विधानसभा में हम उस पार्टी को हराने का काम करेंगे जो कुर्मियों का उत्पीड़न करेगी और उसका समर्थन नहीं करेगी। उसका उत्पीड़न अगर बंद नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर विधान संपर्क कर रहे हैं, अंबुज पटेल जी लखनऊ देख रहे हैं, सीतापुर मैं स्वयं संपर्क कर रहा हूँ, मेरे साथ वकील नेता हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी वो कर रहे हैं, आपके इसी तरीके से विजय वर्मा जी लखीमपुर देख रहे हैं, शाहजहाँपुर अशोक कनौजिया देख रहे हैं, हरदोई अनुपम पटेल जी, पूरे प्रदेश में जिला प्रभारी हम लोगों ने बना दिए हैं इस आंदोलन के लिए। 11 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में कुर्मी इकट्ठा होगा लखनऊ में और हजारों की संख्या में विधान सभा का चुनाव करने को बाध्य होगा, और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं झुकी और सरकार ने हमारी नहीं मानी तो हम लोग लाखों की संख्या में इकट्ठी होकर बताएंगे कुर्मी युवा महासंघ बहुत बड़ा आंदोलन जन आंदोलन करने जा रही है। जय हिंद, जय कुर्मी समाज, कुर्मी एकता। इस वक्त अनिल वर्मा जी कुर्मी समाज के अध्यक्ष से बातचीत करके उनका कहना है कि मैं प्रतापगढ़ में जो हुआ है अग्नि हत्याकांड अग्नि हुआ है और जिन पर परेशान लोगों पर मुकदमा लगा है उनके खिलाफ 11 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे और उसके बाद हम जो है अगर उससे भी नहीं माने तो पूरे प्रदेश को बंद करेंगे। कैमरामैन विनोद यादव के साथ मैं मोहम्मद फारूक लखनऊ से, नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।